हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू टीच मॉडल एक्सप्रेस, यानी मॉडल एक्स के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो नंबर 5, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 4। द एक्सप्रेस एक्सप्रेस विच है द मैन वर्क्स टू एक्सप्रेस मूड और एटीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड मॉडल। हेल्प द मैन वर्क टू एक्सप्रेस मूड, यानी मॉडल मूड को बताता है, मनोदशा क्या है। मॉडल आर ऑलवेज यूज विद द मैन वर्क, मॉडल मैन वर्क के साथ आते हैं, मॉडल के बाद हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा ये मैन वर्क के साथ होते हैं। मूड बताते हैं एक सब्जेक्ट जो करता है उसका एटीट्यूड बताते हैं, मैं चीज कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, इस तरीके का इसमें एक मूड होता है। मैन मॉडल्स हैं वेल, गुड, सेल्फ शुड, कैन, गुड, मे, माई, मस्ट, ऑटो, नीड, डेयर। सो के लिए मैन वर्क टू एक्सप्रेस मूड, यानी मैन वर्क का जो एक्सप्रेस है उसके मूड को और एटीट्यूड के सब्जेक्ट को दर्शाने वाले मॉडल कहलाते हैं। मॉडल का जो यूज है वो मैन वर्क के पास साथ होता है। मॉडल्स विद सेल, सेल्फ शुड, कैन, गुड, मे, माई, मस्ट, ऑटो, नीड, डेयर। यूज ऑफ सेल एंड वी, सेल एंड विल आर यूज इन सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सेल और विल फ्यूचर इंडेफिनाइट के एक्चुअली हैं और ये मॉडल भी है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में का यूज किया जाता है। सेल इन द फर्स्ट पर्सन, यानी आई विल के साथ सेल लगता है, विल इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, और वेल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। बट टू एक्सप्रेस इंटेंशन, लेकिन इंटेंशन हो जाए, इरादा हो जाए, प्रॉमिस वादा हो जाए, फिर एक धमकी देना हो जाए, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय हो, तो वी उसमें हम इसके बदले वी यूज विद वी द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, यानी ये आई वी के साथ जैसे सेल लगता है लेकिन यू वी ने के साथ वी लगता है, तो उसमें हम इसको रिवर्स कर देते हैं, आई और वी के साथ यहाँ पर फिर वी लगेगा, यू के साथ सेल लगेगा। इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल आपको दिखाएं और इसमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो दैट्स इट क्लियर कि मॉडल जो एक्सप्रेस है हमारे एचवी जो हैं ये मैन वर्क के एक्सप्रेस को मूड को दर्शाते हैं, सब्जेक्ट के एटीट्यूड को दर्शाती है कि उसका मनोभाव क्या है, उसको ये मॉडल है कहते हैं। सो मॉडल जो है वो मैन वर्क और इसके मॉडल के बाद हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये मॉडल है, इनका एक ही तरीके से हम इसके एग्जांपल से पढ़ेंगे। यूज ऑफ प्रेजेंट इन सेल्फी, फ्यूचर टेंस में आता है सेल्फी क्योंकि आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी अदर जो भी करता है सब्जेक्ट है उनके साथ विल लगता है। लेकिन अगर इसमें तीन वर्ड हैं, इस तरीके का इरादा है, इंटेंशन है, प्रोसीजर है, इंक्रीमेंट्स है, तो उनसे हमारे सेंटेंस में एच वी बदल जाती है, सेकंड थर्ड पर्सन जो होते हैं उनके साथ सेल, जैसे यू है तो उसके साथ विल न लगकर सेल लगेगा। इस तरीके से ये हमारे मॉडल के बारे में है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इसके काफी सेंटेंस होंगे, जैसे आई विल पे, आर यू आर एरियस को मिलने वादा किया है, भाई के साथ तो सह रखना चाहिए लेकिन एक वादा किया गया है कि आई विल पे, आर यू आर एरियस
यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिस्टेक्स थ्री, यानी तुम तुम्हारी गलती से दंडित होगे। सो यहाँ पर यू के साथ से लगेगा। अभी मैं आपको लिखकर इसमें ये दो सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। अब इसके एग्जाम्पल हम लेंगे कि आई लिख का किस तरीके से यूज होगा और किस तरीके से यूज होगा। पे अटेंशन टू द टॉपिक एंड अंडरस्टूड केयर। ओके यस, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। I will pay all your arrears soon. Promise किया, ये promise किया। अब सैल आता है यहाँ पर, promise की वजह से bill आ रहा है। और दूसरा example है You shall be punished. You shall be punished for your mischief. For your mischief. So ये ट्रिक दिया गया है, एक धमकी दी गई है। तो यू के साथ यहाँ पर सैल लगेगा। इस तरीके से ये हमारे मॉडल में प्रोमिस हो, ट्रीट हो, इंटेंशन हो, डिटरमिनेशन हो, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। अब इसमें नेक्स्ट में यूज है वुड और शुड। यूज ऑफ वुड एंड शुड। Use of would and should. Would and should are the past tense of will and shall. यानी would और should जो हैं वो past tense हैं। किसके? Will के and shall। Would you to express determination, willingness, habitual action in the past, right request in the present? So we use it would. Should is used to express duty, advice, supposition, prohibition. So use करेंगे सबसे first में would. Right? Note करें. Would is used to express यानी जो वुड है वो एक्सप्रेस किया जाता है डिटर्मिनेशन हो, और विलिंगनेस हो यानी इच्छा हो, हैबिचुअल एक्शन हो, पास्ट में ऐसा हो या कोई प्राइम एक्सप्रेस। प्राइम रिक्वेस्ट में जब हम उसका यूज करते हैं या कोई भी प्रकार की हैबिट चलाते तो पास्ट में स्वामी इसका यूज करते हैं। और अपनी इच्छा विकनेस जो इच्छा हो तो करते हैं। जितने भी सब दर्द से मिल गया हो तो भी वहां हम यूज का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है I would attend your birthday party. Your birthday party
ये है विलिंगनेस, यानी एक अच्छा राय हो रही कि तुम्हारा जन्मदिन जो है वो अटेंड कब होगा, तो इसलिए इसमें वुड यूज होगा, राइट है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल है ऑन संडे आई वुड गो टू ए मूवी, ये है फ्यूचर एक्शन, ये एक हैबिचुअल एक्शन है इसका कि वो संडे को मूवी जाता है। तो दैट्स क्लियर, आपको समझ इस तरीके से आ रहा होगा। और थर्ड क्वेश्चन है वुड यू हैव वुड यू हैव ए कप of tea with me। अब इसमें इसने प्राइड रिक्वेस्ट किए, राइट है, रिक्वेस्ट किए वुड यू हैव ए कप टी विद मी, तो प्राइड रिक्वेस्ट की वजह से बीच में वुड यूज हुआ, क्लियर है। इससे आगे सेंटेंस है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन ये फॉर एग्जाम्पल है आई वुड आलवेज फॉलो यूर एडवाइस, डिटरमिनेशन, मैंने तुम्हारी जो सलाह है उसका फॉलो करता हुआ, ये दृढ़ निश्चय है। इस तरीके से यूज वुड एंड शुड का प्रयोग है, जो आपको इसमें समझ रहा है ये हमने आपको कराया, राइट। अब आता है यूज मे एंड कैन, आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है, केवल समझने की जरूरत है इसमें कि इनका यूज कैसे किया जाता है। बुक में बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। पेज नंबर 22 पर अब आता है यूज ऑफ मे एंड कैन, थ्री पॉइंट पर है यूज ऑफ मे एंड कैन। मे यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और पर, एंड कैन यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर, परमिशन और रिक्वेस्ट। देखिए कैन अपने आप में ताकत पर बड़ा होता है, सकना, एबिलिटी, कैपेसिटी, आई कैन टीच यू, एबिलिटी है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, आई कैन जंप, मैं जंप लगा सकता हूँ, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, और इसी के लिए अगर कोई पास्ट टेंस होता है व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन 2 किलोमीटर्स, मे एक पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी होती है। सो इसको क्लियर तरीके से देखें, हम आपको इसमें बता रहे हैं कि मे श्योर मे यूज, यानी मे का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस परमिशन के लिए। आपने कभी बोला अगर मे आई कम इन सर, तो परमिशन जब हमें मांगते हैं तो उसमें मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी आपने देखा इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट मे रेन टुडे। विश
इच्छा में जाया करने के लिए होता है। सो वन इज मोर देन मेक न्यू लॉन्ग, है ना, इस तरीके से। और पर्पस वो भी पटवा दो, बट अब बात करें हम कैन की योर टू एक्सप्रेस एबिलिटी पावर परमिशन के लिए होता है और रिक्वेस्ट के लिए होता है, कैपेसिटी के लिए होता है, स्किल के लिए होता है, ठीक है। अब कहेंगे परमिशन है तो उसमें भी थी परमिशन, इसने की ये परमिशन और इस परमिशन, ये परमिशन में कोई पावर नहीं, कोई भी चीज होती है उसको आप कर सकते हैं, इसमें फर्क है, साइंटिस्ट के मूड से पता लगता है। सो फर्स्ट उदाहरण है जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ही कैन कैरी दिस हैवी लॉर्ड पीजी। और रिक्वेस्ट ये करें, कैन आई यूज योर कंप्यूटर, ये रिक्वेस्ट की गई। तो इसमें क्या आया है, कैन, क्योंकि इसमें एक रिक्वेस्ट की गई है। सो इस रिक्वेस्ट के लिए हमने कैन का यूज किया है। तो कैन का यूज एक रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, परमिशन के लिए भी होता है और एबिलिटी के लिए भी होता है। यूज ऑफ माइट एंड कोड, माइट एंड कोड आर द पास्ट टेंस ऑफ मे एंड कैन, यानी मे और कैन के पास्ट है माइट और कोड। माइट एक्सप्रेस सजेशन पॉसिबिलिटी, वाइल कोड एक्सप्रेस पावर और एबिलिटी, जैसे हमने मे में पढ़ा है, जैसे हमने कैन में पढ़ा है कि कैन पावरफुल वर्ड होता है, ठीक उसी के पास लेवल पर कुड का यूज होता है। एक प्रेजेंट में अगर कोई प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट है तो कुड का यूज किया जाता है। माइट मे की तरह यूज होगा, लेकिन इसमें हमने बताया कि इसका जो एक्सप्रेस है वो सजेशन में पॉसिबिलिटी में होता है, लेकिन इसमें एक साथ रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, जिसे दूरस्थ संभावना होती है, दूरस्थ जो दूर के लिए जो भी उस समय लगेगा रिमोट। सो इस तरीके से इसमें है ये वर्क हार्ड दैट ही माइट फर्स्ट रीजन प्रॉब्लम, ये एक पर्पज है उसका कि फर्स्ट रीजन सिक्योर करना है, कठिन मेहनत करता है, वर्क हार्ड पास्ट ईयर का हुआ है माइट यूज। ही माइट यूज कोचिंग क्लासेज ऑफ सिक्योरिटी सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन के लिए माइट यूज करते हैं। माइट शो द रिमोट पॉसिबिलिटी द प्रेजेंट एंड कुड इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रायर रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। इन की उदाहरण अभी आपको यहां पर दिखा रहे हैं, सो आप देखेंगे किस तरीके से रिमोट पॉसिबिलिटी होती है और किस तरीके से कुड का यूज जो है वो पास्ट लेवल पर किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, यू आर प्लेयर यू आर प्लेयर यू माइट नोट पास द
ये रिमोट पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें केयरलेस हो, इसलिए टेस्ट में पास होने में थोड़ा माइंड लग रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार से प्रकार और है कोड यू लैंड बी योर बुक ओनली फॉर वन डे। इस प्रकार से एक प्राइवेट रिक्वेस्ट की जा रही है, आप एक दिन के लिए बुक मुझे उधार दे दें। तो इस प्रकार से ये यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें प्राइवेट रिक्वेस्ट की गई है। तो ये माइट और कुड का यूज होगा। अब इसी के साथ में बहुत अच्छा एक मॉडल है यूज ऑफ नंबर 5 must and ought। must and ought, must बाध्य किया जाता है, जोर देकर दबाव देकर किसी चीज को, उसे must and ought बोलते हैं। और ought उससे भी कहीं ज्यादा एक necessary होता है। तो इन दोनों का प्रयोग है। must be used to express necessity, compulsion, conclusion, obligation। यानी मस्ट किसी चीज का बाध्य हो या कोई आवश्यकता कहने को नेसेसरी हो, कंपल्सन हो, या कई प्रश्न कोई प्रकार का एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो मस्ट का यूज किया जाता है। और यूज टू एक्सप्रेस मोरल, इसमें मोरल ड्यूटी का यूज किया जाता है, मोरल ऑब्लिगेशन, और एडवाइस भी किया जाता है। एडवाइस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, यू मस्ट टेक दिस मेडिसन रेगुलर, मस्ट टेक इस मेडिसन, वी मस्ट लव आवर मदरलैंड, एम ए जैन सिंह मस्ट बी ए गुड सर्जन, यू मस्ट नॉट प्ले इन ए सन। प्रोहिबिशन के लिए भी मस्ट नॉट यूज होता है। वी ओर टू ओबे योर पेरेंट्स, वी ओर टू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, यू ओर टू गेट ए न्यू पोलो। सो इस प्रकार से ये हम इसका यूज करते हैं। ये मॉडल के यूज हो गए, जो क्लियर आप तरीके से आपको समझा दिए गए हैं। अब इसके कुछ बचे हैं शुड और नीड, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो दैट्स क्लियर, ये आपके